दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अब तैयारियां धीरे धीरे तेज हो गई है। इस वक्त हम लोग मदनपुर खादर ईस्ट वार्ड में हैं और यहां से डॉक्टर लेखराज पर भाजपा ने भरोसा जताया है। भाजपा के यहां पर कुछ नेता भी मौजूद हैं, खासकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संजय रॉय जी जो ओखला विधानसभा के विस्तारक है भाजपा के। डॉक्टर छत्रपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूर्व मंडल अध्यक्ष है इस क्षेत्र के, और उसके बाद हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर लेखराज जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं विस्तारक संजय रॉय जी से जानना चाहूंगा, संजय जी जो नीतियां भाजपा ने की है और खासकर इस बार निगम का जो प्रचार है सेवा ही विचार खोखले नहीं प्रचार, क्या लगता है इस उम्मीद पर जनता आएगी भाजपा के साथ, जनता जुट रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल जुड़ रही है, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अभी हमारी पार्टी ने जो टिकट दिया है हमारे एक कार्यकर्ता को दिया है, किसी बाहरी लोगों को जो पैसे के बलबूते पे जो आम पार्टी दे रही है टिकट कि पैसा ले आओ हम टिकट दे देंगे, ऐसा नहीं चला। ये आपका आरोप है, मेरे साथ यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर लेखराज जुड़ेंगे। लेखराज जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि लगातार कई वर्षों से इन्होंने यहाँ के क्षेत्रवासियों की सेवा की है और समर्पण भाव के साथ भाजपा से जुड़े रहे हैं। विचारधारा, तमाम मीटिंग्स, जितनी भी परेशानी होती है उसमें ये खड़े रहते हैं, हमने देखा है इन चीजों को। क्या लगता है जनता के साथ जो जुड़ाव रहा, पार्टी ने तो भरोसा जताया लेकिन अब तो अग्नि परीक्षा है क्योंकि जनता के बीच जा रहे हैं आप, जनता को समझाना जरूरी है कि भाई आपके लिए सुयोग्य मैं ही हूं, ये कमल का फूल हमारा निशान है। क्या लगता है आपको, क्या जनता समझ पाएगी? मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, क्षेत्र की जनता का जिस हर गली में हर घर पे मैं जाके खड़ा होता हूं तो मेरे को सबसे पहले वो मेरा स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि आप कोई काम करने वाला मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में आया है, मुझ पर विश्वास भरोसा जनता जता रही है और जनता जब भरोसा जता रही है तो मुझे जिताएगी भी। आम आदमी पार्टी का मुद्दा भी पता है आपको और मैंने इस क्षेत्र को काफ़ी करीब से देखा है, कई बार कवरेज यहाँ से की है, मुद्दा यही उठा रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ तो जगह जगह बना दिया। आपके क्षेत्र में ये मुद्दा उठा रहे हैं, देखो जी यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ कूड़ा पड़ा है, काउंसलर भाजपा का था, तो कैसे 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 आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जो वो कह रहे कूड़े का था, उन्हें कूड़े का ढेर ही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखाई देता जिसमें कुत्ते बैठते हैं जाके, वहाँ लोग नहीं होते, उसमें सफाई नहीं है, दीमक लग रही है, पब्लिक उसमें जाती नहीं, उसे पसंद नहीं करती, उसमें डॉक्टर नहीं होते, स्टाफ नहीं, उन्हें वो नहीं दिखाई दे रहा, उनको कूड़े का ढेर, कूड़ा कहाँ गिरेगा? दिल्ली का कूड़ा अगर कहीं भी स्टेट में जाओगे, किसी आम आदमी पार्टी ने कोई मुद्दा बनाया हो कि कूड़े से कुछ और बना ले, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं होते वो ऐसी चीजों को ही ढूंढता। बिल्कुल, छत्रपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। छत्रपाल जी, समाज सेवा और समर्पण भाव से आपने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस क्षेत्र में और इस बार कंधे से कंधा मिलाकर चलना है डॉक्टर लेखपाल के, क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? मेरी जो क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, एक तो आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ कि 7 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला वार्ड 185 एस का, दिल्ली की ये सबसे बड़ी जीत होगी जो हमें जन समर्थन मिल रहा है। हमने इस क्षेत्र में 22 सालों से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की निस्वार्थ भाव से, और यहाँ के लोग जो परेशान हैं, यहाँ पानी नहीं है 22 साल में, सीवर नहीं है, गंदगी इतने, हॉस्पिटल नाम का कोई वो नहीं है, आप कहते हो केजरीवाल ने क्या काम किया, फ्री के नाम पर महिलाओं को ठगा है, बस आती नहीं है, आप कभी भी सुबह आके 1 से 2 घंटे देखना, एक बस आएगी तो 3 घंटे बाद दूसरी बस। ये आरोप है, देखिए ये आरोप है और भाजपा इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि विधानसभा ने आपने क्या कर लिया, फ्री के वादे कर दिए, मुफ्त के वादे कर दिए और वो सारा एक तरह से भेंट चढ़ गया है भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार का आरोप भी आम आदमी पार्टी पर लगा है। आप लोग क्या इस बार जनता से अपील कीजिएगा, प्राथमिकता किन चीजों को लेकर आपकी इस क्षेत्र में रहने वाली है? लेखपाल जी, देखो जी, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी ने जो वादे करते हैं ना जी, उन्हें खुद नहीं पता होता कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ, अभी क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में क्या बोलूँगा, वही अपने बातों से पलट जाते हैं। गारंटी दी है, 10 गारंटी है, गारंटी रहेगी फेल है आम आदमी पार्टी की। गारंटी तो उन्होंने 2013 में भी दी थी कि मैं गंगा को साफ कर दूंगा, डुबकी लगाऊंगा। गंगा नहीं, यमुना। हाँ, वो गंगा यमुना हमारी तो गंगा ही है, हम तो हिंदू हैं तो हमारे लिए तो गंगा यमुना एक ही है। उन्होंने कहा था कि हम इसको मैं साफ कर दूंगा बिल्कुल स्वच्छ, आज से 2013 में, और उसके बाद जो है जब सत्ता में आया था उसने कहा यार मैं डुबकी लगाऊंगा इसमें आगे, वो डुबकी लगाने, डुबकी तो डुबकी। संक्षिप्त में क्या अपील कीजिएगा
जो आपके वार्ड की जनता है उससे क्या अपील 185 नंबर से जो जनता है? केजरीवाल को इसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि केजरीवाल को जवाब देने के लिए जनता बहुत दुखी है। केजरीवाल यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। केजरीवाल ऐसे ऐसे लोग हैं, यहाँ अमतुल्ला खान है हमारे, केजरीवाल को तो मैं नहीं कहूँगा, अमतुल्ला खान, उन्होंने यहाँ पे एक आदमी भेजा हुआ है MLA जो यहाँ इस क्षेत्र में टोपी लगा के आता है और यहाँ के लोगों से को गुमराह करता है और वो कहता है जी हमने ओखला में कब्जा कर रखा है, हम सारे में कब्जा करेंगे, ये क्या तरीके क्या है बात करने? ये तरीके क्या है? आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, 5 वार्ड है इस विधानसभा में, 5 में से कितने निकाल पाएंगे? देखिए जी, अब तो पूरे निकालेंगे, पांचों के पांच। आम आदमी पार्टी क्या करेगी भाई साहब? देखिए, आम आदमी पार्टी, अभी आपने मुद्दों की बात की है, जिस क्षेत्र में बैठे हैं जे कॉलोनी का क्षेत्र है, और कोई भी जे कॉलोनी अगर बनी है तो उसमें मूलभूत सुविधाएं देना सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सीवरेज की प्रॉब्लम जो है जल बोर्ड के अधीन आता है, जल बोर्ड जो है विधायक के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन आता है। बस की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा राज्य सरकार ने बता दिया। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं ये तमाम मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों पर जो वादा केजरीवाल जी ने विधानसभा चुनाव के समय किया था उस पर कितने हद तक सटीक पैमाने पर वो खड़े उतरे और क्या क्या किया, इसका जवाब भाजपा के साथ है। भाजपा के पास भी वचन पत्र है और केजरीवाल अपनी घोषणा पत्र को लेकर, अपनी गारंटी को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी बढ़त बनाती है, और उसके लिए पब्लिक सर्वे भी हम लगातार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, दिल्ली सहित देश और दुनिया की हर अहम खबर से अपडेट रहने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े। आपने अपना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। बने रहिए हमारे साथ।